हाय, मैं हूँ आपका दोस्त और मेरे चैनल का होस्ट महेंद्र मनवर। और आज मैं पहुँच चुका हूँ नागपुर में। आज का जो एक विशेष ब्लॉग मैं आपके सामने ला रहा हूँ, तो इस ब्लॉग को मेरे अंत तक देखिए। आज यहाँ एक सुप्रसिद्ध ऐसी जो डॉली की चाय की जो टपरी है वो बहुत फेमस हुई है भैया, वो वायरल हो चुका है वो डॉली की चाय की टपरी। और YouTube में मैंने बहुत सारे वीडियो उसके देखे भी है, वो कहाँ है उसका सर्च किया। और मैंने सोचा है कि अभी नागपुर में आया हूँ तो और मेरे YouTube के लिए भी एक ब्लॉग थोड़ा सा दिखाओ। लोगों का जो ये लैपटॉप दिखा रहा हूँ, ये बच्चे ने जो है इसको जो है इसके हार्ड डिस्क उड़ा डाली है। तो भैया अभी डिकॉड सर्विस होने की वजह से ये वही सेंटर में मुझे जाना पड़ेगा। वो लिनोवो का लैपटॉप जब मैंने फ्लिपकार्ट से ख़रीदा तो उस समय मैंने देखा नहीं कि ये डिकॉड सर्विस क्या होती है क्या नहीं है, इतना कुछ पता नहीं था। लेकिन अभी जब ख़राब हो गया, बच्चों ने इसका हार्ड डिस्क उड़ा दिया, तो पता चला कि भाई डिकॉड सर्विस मतलब आपको जो है सर्विस सेंटर में जाके ही वो आपको रिपेयर करवाना पड़ेगा। क्योंकि ये एक साल इसको हुआ नहीं है तो ये वारंटी में है, तो मेरा काम ये फ्री में हो जाएगा। और वहाँ से जाने के बाद दोपहर को मेरा एक खास विशेष दोस्त जो है, वो दोस्त मेरा जो है वो लंच जो है वो लंच मैं उसी के साथ में करूँगा। और ख़ास खास जगह मैं आपको नागपुर की आज दिखाऊंगा, क्योंकि देखता हूँ आज नागपुर में जो है मुझे क्या क्या खास खास मिलता है। जो भी खास मुझे नागपुर में मिलेगा उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लोरिंग ज़रूर करूँगा। तो चलिए आज मैं नागपुर थोड़ा एक्सप्लोरिंग करता हूँ। या मेरा वीडियो आप अंत तक देखिए, स्किप मत करिए। आप अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और आप मेरे इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर भी कर सकते हो। अब ये चीज़ तो मैंने स्टार्टिंग में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अभी क्या करें, चैनल छोटा है, सब्सक्राइबर कम है, तो बोलना पड़ रहा है। तो चलिए भैया देखते हैं। और अभी मैं निकलता हूँ थोड़ी देर में। ये देखो तैयारी होगी, चश्मा मैंने पहन लिया है जो बात मन में आए वो मैं बोल रहा हूँ। अभी यहाँ से निकलूँगा। मैं थोड़ा आया था ऑफिशियल काम से, वो ऑफिशियल काम मेरा थोड़ा सा हो गया है। और अभी छुट्टी है भैया, शाम का टाइम है, तो मैं अभी जाऊँगा और आपको दिखा देता हूँ नागपुर का एक्सप्लोरिंग। वहाँ का छत्रपति चौक का सर्विसिंग सेंटर भी दिखाऊँगा, छत्रपति चौक का थोड़ा सा नज़ारा भी दिखाऊँगा, और देखते हैं। तो चलिए जाते हैं नागपुर वन टाइम। जा रहा हूँ मैं अभी बड़ी, और बड़ी में जो है बड़ी से जाएंगे छत्रपति चौक। वाड़ी में द राइजिन होटल, अगर आपको रुकना है तो ये राइजिन होटल में आप रुक सकते हो। यहाँ से अगर ये आदित्य अनागा के पास आ गए, ये हमारे आपका कुछ टायर सर्विसिंग है, तो यहाँ से ये जो रोड जा रहा है ये जाता है नागपुर टू जबलपुर की तरफ। ये आया है कंट्रोल वाड़ी बस थामा जहाँ पुलिस स्टेशन है, चुंगीना का नंबर 10 नागपुर शहर का चेक पोस्ट वाड़ी। देखिए पुलिस वाले आप दिख रहे हैं चुंगीना का ऊपर, बहुत सारे गाड़ी है या शायद सेकंड हैंड कारें है जो बेचने के लिए आप खड़े कर दिए। देखिए एक लाइन से कारपेट वाले, देखिए कारपेट रास्ते में ही मिल रहा, मतलब स्पेशल जो है बस स्टैंड ही है छोटा सा महानगर पालिका का, में ही कहीं लॉ कॉलेज आपको मिल जाएगा भाई चौक है। और देखिए लॉ कॉलेज चौक से ये रास्ता भी सीटी जाता है आपको महापालिका, यही है जी एस कॉलेज कॉमर्स एंड साइंस, हनुमान मंदिर पंचकम। नागपुर से का प्रादेशिक RTO ऑफिस है, ये देख लीजिए RTO ऑफिस। एयरपोर्ट के लिए यहाँ से देखो वो जो बांध दिख रहा है मेरा राइट हैंड में आपको रास्ता है यहाँ से एयरपोर्ट के लिए। गोल्डन ट्रैफिक पार्क भी है यहाँ,
साफ लिखा है कि नाइट में जो है आपको अपर लाइट बिल्कुल नहीं लगाना है। चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क ऊपर से जा रहा है, ये मेट्रो का जो देख रहा है, ये ऊपर का मेट्रो का स्टेशन है और नीचे से जा रहा है गाड़ी, क्योंकि ये है सेनापति बापट चौक, नहीं है ये झांसी रानी चौक है। देखिए ये राम गोपाल महेश्वरी सांस्कृतिक सभा लास्ट स्टेशन, यही जो है सभी उतर रहे, तो मैं भी यहाँ उतरूँगा। देखिए सभी प्रवासी यहाँ उतर रहे हैं, तो मैं भी यहाँ उतरूँगा। चलिए अभी यहाँ से आगे के लिए पूछते हैं। देख लीजिए ये आया हूँ मैं यहाँ बर्डी में, और ये है आदिवासी गुवारी फेरी पुल, और ऊपर से जाती है भैया इस मेट्रो, ये देख लीजिए पूरा मेट्रो जा रही है। यहाँ पूरा कपड़े आपको यहाँ मिल जाएंगे सस्ते सस्ते, ये रोड के स्वेटर्स और कुछ कपड़े भी यहाँ बहुत सस्ते सस्ते मिल जाएंगे, स्वेटर टी शर्ट छोटे बच्चे के लिए। मैं यहाँ से ज़रूर ख़रीद के जाऊँगा, लेकिन अभी मैं थोड़ा मेन जा रहा हूँ तो देखता हूँ, अभी मुझे उस साइड में जाना पड़ेगा, वो जो शेगांव कचोरी दिख रहा है नवे दम, वहाँ से छत्रपति चौक में जाना पड़ेगा। तो सूट ले रहा हूँ, आदिवासी गुवारी से मैं जा रहा हूँ, और ये कपड़े की दुकान भी मैं आपको दिखा रहा हूँ भैया। ये बच्चे की यार लेडीज़ टी शर्ट हाँ हम देख रहे हैं, थोड़ा सा लेडीज टी शर्ट्स अगर सस्ता मिला तो ज़रूर खरीदेंगे भाई। कितने का ये? 450 का है, ये 300 का, 150 के बराबर है यार। कलर जो है थोड़ी सी दूसरी चाहिए, इसमें इसी में फुल वाली में दोनों में कलर मैं अभी। और ये यहाँ मैं बैठा हूँ बर्डी से, और अभी जा रहा हूँ छत्रपति चौक, और वहाँ का बाहर का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए बस में तीन तीन चार चार पाँच पाँच कंडक्टर है, और मैं एक मैंने खास करके देखा है कि सबको मास्क अनिवार्य कर दिया है, हमको भी बोला है भैया मास्क पहनना है। ये रोड, ये टाटा का नैनो गाड़ी भी अभी नागपुर में घूम रहा है, टाटा ने तो बंद कर दिया, लेकिन एक एक दो की गाड़ी यहाँ ज़रूर दिख जाती है टाटा नैनो की, तो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। वो कंडक्टर जो है भैया अपना टिकट फाड़ रही है। आ चुके हैं साईं मंदिर एरिया में, और यही आजू बाजू में जो है मेरा लैपटॉप का सर्विस सेंटर है लिनोवो का, वो मैं यहाँ ढूंढता हूँ, और ढूंढने के बाद यही मैं जो मैं लैपटॉप यहाँ दिखा देता हूँ। तो ये कॉन्टेक्ट करके ये लिनोवो का सर्विस सेंटर देखिए कानपाड़े नगर में, यहाँ कुछ औरतें हैं, और ये शायद ये देखिए ग्रेस इन्फोटेक बिल्डिंग, ये ग्रेस इन्फोटेक बिल्डिंग यही है, ग्रेस इन्फोटेक दिनो सर्विस सेंटर। कहाँ से जाना है? इधर से। अच्छा, तो ये देखिए मैं आ चुका हूँ, और ये देखिए ये है ग्रेस इन्फोटेक, ये मैडम बैठिए इन्फोटेक सर्विस सेंटर। ये अमन ग्रुप का जो ये करीम कबाब होटल है, बहुत ही बढ़िया ऐसा नॉन वेज यहाँ मिल जाता है, और यही मेरा मैंने जो ब्लॉग में दोस्त का जिक्र किया था, यही दोस्त के साथ मैंने यहाँ लंच किया, बहुत ही शानदार ऐसा लंच यहाँ हमारा हुआ है। देखिए अंदर से मैं इस होटल को आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया तरीके से, क्योंकि दोस्त पुलिस में है तो मैंने उसको नहीं दिखाना उचित समझा, वो नहीं चाहता था कि मैं वीडियो में आए, तो मैंने उसको नहीं दिखाया। और यहाँ हम आ चुके हैं जो डॉली की टपरी की चाय जो नागपुर में फेमस हुई है, वायरल हुई है, तो जाते जाते मैं वो चाय भी पीने डॉली के टपरी पे गया है। उसने थोड़ा सा शूट लेने के लिए मुझे मना किया था, फिर भी थोड़ा ज़बरदस्ती उसका शूट मैंने ले लिया, और वही शूट मैं आपको दिखा रहा हूँ। और एक सेल्फी उसने दे दिया, और वही मैंने चाय का थोड़ा सा चस्क लिया, डॉली का चाय किस प्रकार से है वो देखा, तो चाय तो बहुत बढ़िया था, लेकिन भाई एक बार इस ये डॉली की बात खटकी है, ये ज़्यादा फेमस हुआ है, इसलिए ये शूट करने से आजकल लोगों को मना कर रहा है।